तो YouTube पे वीडियोस अपलोड करने का हम फुल ट्यूटोरियल देखेंगे आज। जैसे कि ये मेरा YouTube चैनल है, बहुत टाइम से मैंने वीडियोस वगैरह डाली नहीं इसमें, तो एक शॉर्ट चैनल है। तो मगर हम मैं दिखाऊंगा आज तुम्हें जो फुल वीडियोस हम डालते हैं कैसे डालते हैं, और हम लोग AI से और टाइटल थंबनेल वगैरह ये सब चीज़ें कैसे ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला हम टूल देखेंगे या वेबसाइट ये समझ लो कुछ भी, वो है गूगल एड्स। तो हम लोग गूगल एड्स पे साइन इन करेंगे पहले। तो साइन अप कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ टूल्स पे। टूल्स पे हमने क्लिक किया, टूल्स पे जाके फिर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे हम लोग कुछ भी कीवर्ड्स डालेंगे जिससे रिलेटेड हमारी वीडियोस होंगी। जैसे सपोज मेरी वीडियोस जिम से रिलेटेड है, जिम डाल के यहाँ गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर दूँगा। तो ये टॉप ट्रेंडिंग जो सर्चेबल कीवर्ड्स होंगे वो दिखा देगा। जैसे कि जिम पे 100K से 1M के बीच तक जो है एवरेज मंथली सर्च किया जाता है, और कंपटीशन का लो है, और ऐसा सब कुछ दिखा देगा हर किस में कितना कंपटीशन है, कौन सा कीवर्ड कैसा है, वो सारा। तो फिर हम इसको यहाँ से एक साथ सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। तो सारे कीवर्ड्स हमारे कॉपी हो गए। इसके बाद हम दूसरा टूल देखेंगे जो होगा ऑल हैशटैग जनरेटर। हैशटैग जनरेटर वाली वेबसाइट पे जाएंगे। ये हमें जो हैशटैग्स हम वीडियोस पे डालते हैं वो सारे दिखा देगा, तुम्हें रैंडम चाहिए या टॉप के चाहिए जैसे भी। तो यहाँ फिर हम अपना कीवर्ड्स टाइप करेंगे। जैसे मेरे को जिम से रिलेटेड वीडियोस बनानी है, जिम। इसके बाद ये खुद ही ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। हमको रैंडम चाहिए रैंडम, टॉप चाहिए टॉप, जनरेट पर क्लिक किया। इसके बाद ये कीवर्ड्स इससे सारे निकाल के दे दिए। अब हमारे पास कीवर्ड्स हैं और उनसे रिलेटेड हैशटैग भी है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चैट जीपीटी। ओपन AI पे जाएंगे, ट्राई चैट GPT, और यहाँ हम सर्च करेंगे तो इसने हमें कीवर्ड्स दे दिए। अब हम चाहो तो उनको यहीं से कॉपी करके फिर हम जाएंगे अपने वीडियो पे। तो हमारे पास हमारा टाइटल है, ये हैशटैग, और ये हमारे कीवर्ड्स। वीडियो पे हम थंबनेल बनाने के लिए कैनवा पे जाएंगे। कैनवा पे गए, डिजाइन
तो अब हमारे पास हमारे सारी ही चीज़ें हैं YouTube पे अपलोड करने के लिए, मगर ये डिपेंड करता है कि हमारी YouTube की वीडियोस कैसी है। अब उसके बाद आपको YouTube की वीडियो की क्वालिटी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और उसमें ऑडियोज़ क्लिप्स और ऐसा कुछ उसके अंदर ऐसे सस्पेंस होना चाहिए जिससे बंदे के अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी आए कि उसको पूरा देखें। तो वो बाकी उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इतना ही था, थैंक यू।